कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय जीसु। आज आप सभी लोग जिस ईसाई विधायक को इंटरव्यू पर देख रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि झारखंड स्टेट का सिमडेगा कोलेबेरा क्षेत्र के ईसाई विधायक हैं। इस ईसाई विधायक का नाम है नमन विक्सल और ये मुंडा जाति से बिलोंग करते हैं। तो जब इस ईसाई विधायक को इंटरव्यू के दौरान इस पत्रकार ने जब ईसाई धर्म को लेकर और डिलिस्टिंग को लेकर जब सवाल करते हैं तो इस विधायक ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब देते हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से मोदी को कि मोदी के पास और ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसे ऐसे चीज़ों को लेकर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस इंटरव्यू को कि उन्होंने क्या कुछ कहा है ईसाई धर्म को लेकर और डिलिस्टिंग को लेकर। और ईसाई आदिवासियों को यह कहते हुए कि ये धर्म बदलने के कारण अपने भाषा संस्कृति परंपराओं को भूल रहे हैं, इसलिए इन्हें आदिवासी सूची से बाहर किया जाए और ईसाइयों को चिन्हित करने के लिए जाति प्रमाण पत्र में धर्म का कोलम को असंवैधानिक रूप चलाया था। इसलिए यहाँ के लोग भय में थे, चूंकि सिमडेगा जिला ईसाई बहुलता जिला है आदिवासी में भी, तो लोग भय में थे। तो इसको भय को हम लोगों ने खत्म करने का काम किया, सबसे पहला काम, क्योंकि हमारी सरकार की सोच है कि जहां शांति है वहीं विकास है, भय में विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। बीजेपी की ओर से कई आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि अलायंस की सरकार जब से राज्य की सत्ता में आई है आदिवासियों के हित में काम नहीं कर रही है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, आपने देखा होगा कि बाबूलाल मरांडी लगातार ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि संथाल परगना के 6 ऐसे जिले हैं जहाँ पर आदिवासी अल्पसंख्यक जो है वो बनते हुए जा रहे हैं, यानी कि वहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, जो आदिवासी है वो अल्पसंख्यक में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये धर्म परिवर्तन का मामला कहीं भी कुछ मामला नहीं, ये संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 25 से जुड़ा हुआ मामला है। ये धार्मिक स्वतंत्रता है। अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है, डरा धमक के कर रहा है, तो ये तो पहले के आईपीसी में भी इसका प्रावधान था, क्यों अपराध का है। अगर कोई जबरदस्ती मसीही धर्म को अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं, तो ये अपराध है। अगर वैसा बात है तो इसका मैं भी विरोध करता हूं, लेकिन देखा जाए तो ऐसा नहीं है, लोग अपने से। लेकिन वहां कहा जा रहा है कि आदिवासियों की संख्या जो है घटती भी नजर आ रही है, पहले 26% था अब 21% हो गया है। मैं स्पष्ट बता देना चाहूं, धर्म बदलने से आदिवासियों का संख्या नहीं घटता है। नस्ल जाति एक नस्ल है, नस्ल जन्म आधारित होता है और धर्म विश्वास आधारित है। अगर मैं अभी आदिवासी हूँ, मुंडा नस्ल से आता हूँ, अगर मुझे डिलिस्टिंग कर दिया जाए, आदिवासी सूची से ईसाई का हटा दिया जाए, तो आप मुझे किस श्रेणी में रखेंगे, किस जाति में रखेंगे? क्योंकि हमारे देश में एक सामाजिक व्यवस्था है, आप मुझे जातीय व्यवस्था है, आप मुझे मुंडा नस्ल से अगर हटाएंगे तो किस नस्ल में डालेंगे? ब्राह्मण बताना होगा ना, मुंडा नस्ल से मुझे हटा के किस जाति में रखेंगे, ये बताना होगा इनको। और रही बात धर्म, धर्म तो विश्वास आधारित है। आज मुझे लगेगा कि यीशु ख्रीस्ट से मेरा कल्याण नहीं होने वाला है, प्रभु राम से मेरा कल्याण होने वाला है, तो मैं यीशु ख्रीस्ट के धर्म, ईसाई धर्म को छोड़कर प्रभु राम के हिंदू धर्म को अपना सकता हूँ, अपनाऊंगा। और मुझे लगेगा कि भगवान राम से भी मेरा कल्याण नहीं हो रहा है, अल्लाह के धर्म से मुझे कल्याण होना है, तो मैं उसको मान सकता हूँ। तो मैं अपने जीवन में जितने धर्म हैं उन्हें मान सकता हूँ और छोड़ सकता हूँ, ये मुझे आज़ादी है, इस देश के संविधान ने अनुच्छेद 25 में मुझे दिया है। तो धर्म और जाति में जमीन आसमान का फर्क है। ये लोग सिर्फ बरगला रहे हैं और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। धर्म बदलने से आदिवासी नहीं बदलेगा। आज 2011 का जनगणना आंकड़ा देखिए, उसमें स्पष्ट तौर से जनगणना आंकड़ा में सामने आया है, 2011 का जनगणना आंकड़ा 42.2 लोग सरना धर्म को चिन्हित किए हैं, 39.7 हिंदू धर्म को मान रहे हैं बल्कि चिन्हित किए हैं, 14% कुछ परसेंट है
ये लोग क्रिश्चियन धर्म को मान रहे हैं बोल के चिन्हित किए, और 1.7 अन्य जैसे बौद्ध जैन ये सब मान रहे हैं। तो जाति अलग है और धर्म अलग है, इसको ये लोग सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, भरमाने के लिए ये लोग गलत ढंग से व्याख्या करके देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं। जाति और धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। आदिवासी समुदाय का अनुपात इसलिए घट रहा है कि बाहर के लोग यहाँ बहुत ज्यादा आ रहे हैं और भाजपा उनको लेके आ रहे, उन्हें प्रोत्साहन कर रही है, ये सबसे बड़ा मामला। अगर आज आदिवासियों का जनसंख्या का अनुपात घट रहा है तो इसका जिम्मेवार भाजपा है, उसकी गलत नीति है। स्थानीय नीति बनाकर बाहरी लोगों को उन्हें अधिकार दिया जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ के लोग असम में रह रहे हैं, उनको आज तक वहाँ का स्थानीयता का अधिकार ट्राइब कहा जाता है वहाँ, जबकि यहाँ का कुछ ही साल आए उनको अधिकार दे रहे हैं। या बिहार से और बंगाल से आए हुए लोगों को यहाँ का भी अधिकार है और वहाँ का भी अधिकार है, दोहरा लाभ दिया जा रहा है। ऐसा भाजपा जानबूझकर कर रही है, चूंकि वो जानती है कि आदिवासी उनके साथ नहीं है, इसलिए आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाए, इन्हें खत्म किया जाए। जो डिलिस्टिंग का मामला इन्होंने लाया है, डिलिस्टिंग एक ऐसा तीर है जो कई मुद्दों पर चोट करता है। जैसे मैं रामायण देख रहा था, भगवान राम का जब तीर निकलता था तो रावण का दसों सिर को एक ही तीर से जाता था और आगे 10 भाग में बट के दसों सिर का कत्ल होता था, उसी तरह ये डिलिस्टिंग है। डिलिस्टिंग सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, डिलिस्टिंग नौकरियों की संख्या को कम करने का एक साजिश है, जमीनों को डिलिस्टिंग के द्वारा खत्म करने करके पूंजीपतियों को देने का एक साजिश है। डिलिस्टिंग हमारा अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करने का एक साजिश है, और जनप्रतिनिधि के पदों को वार्ड मेंबर से लेकर सांसद तक के पदों को छीनने का ये एक साजिश है। डिलिस्टिंग बहुत व्यापक चीज है, एक छोटा शब्द है, लेकिन इसी को हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। और आज सभी जगह के आदिवासी जान गए हैं कि डिलिस्टिंग आदिवासियों को खत्म करने का भाजपा के साजिश है, इसको हम लोग बता रहे हैं और तथ्यों के साथ बता रहे हैं। 4.5 साल तक आपने अपने क्षेत्र के लिए काम किया, इस बार कौन कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाइएगा, अगर कांग्रेस की ओर से आपको एक बार फिर से टिकट मिलता है, एक बार फिर से आप पर भरोसा जो है कांग्रेस पार्टी जताती है तो? इस क्षेत्र के भाषा संस्कृति परंपरा जो यहाँ के आदिवासी और मूलवासी है उनको संरक्षण करना है, चूंकि वो उनकी पहचान है। लोकसभा 5 आदिवासी सीट लाए थे और इस बार जहां जहां हमारा पिछड़ा है हर सब जगह इस बार भाजपा को मुंह की खाने पड़ेगी, क्योंकि अब लोग जान गए हैं, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों को जान गए। अब जब भगवान राम और भगवान बद्रीनाथ और वाराणसी के देवी देवता जान गए हैं और भाजपा को करारा जवाब दिए हैं, तो आम पब्लिक तो अनुयायी है, भगवान के ही पीछे चलने वाले लोग हैं, तो भगवान जो किए हैं उसको अनुपालन करेगा, उस भावना को हम जनता तक पहुंचा रहे हैं कि जब अयोध्या में बद्रीनाथ में भाजपा को छोड़ सकता है इस देश के लोग, हिंदू लोग, तो यहाँ क्यों नहीं छोड़ेंगे, यहाँ के लोग भी छोड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि भाजपा वोट के लिए, वोट लेने के लिए हिंदुत्व का ढोंग करती है, इस बात को इस देश के हिंदू समुदाय के लोग जान गए हैं। तो आप लोग देख पाए दोस्तों इस विधायक का पूरा इंटरव्यू को, इस विधायक ने इस इंटरव्यू के दौरान जो कुछ भी कहा है धर्म को लेकर वो सब कुछ सही है दोस्तों। हमारे देश का जो संविधान है वो हमारे देशवासियों को स्वतंत्रता देती है कि आप लोग जब चाहोगे तब अपना धर्म को बदल सकते हैं। आप यदि आज इस धर्म को मान रहे हैं तो कल अलग धर्म को मान सकते हैं, फिर परसों और एक धर्म को भी मान सकते हैं। आपको जब कभी भी लगता है कि मेरा ये धर्म में, मेरे को इस धर्म में संतुष्ट नहीं मिल रहा है, या फिर उस भगवान ने मेरे को मेरा विपत्ति के समय में सहारा दिए हैं, तो आप उसी भगवान को मान सकते हैं, आप उसी धर्म को मान सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो इस सब बातों को लेकर इस विधायक ने मोदी जी को मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। और आप लोगों को मैंने एक वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि अभी इस संसार में लोगों का हालत ऐसा हो गया है
कि लोग कहीं ना कहीं एक सही भगवान का खोज में निकल पड़े हैं, यानी कि वो लोग जिस धर्म में हैं उस धर्म में उनको उस धर्म को लेकर उनको सही नहीं लग रहा है, और उनको लगता है कि आज जो भगवान सच्चाई है, जो भगवान सच्चा है उसको ढूंढना चाहिए, और वो लोग उसी भगवान का खोज में निकल पड़े हैं। इसलिए हमारा देश भी स्वतंत्रता, हमारा देश का संविधान भी स्वतंत्रता देती है कि आप लोग जब चाहो तब धर्म बदल सकते हैं, और आप जिस किसी भी भगवान को कभी भी मान सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को कुछ इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा मिले। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय जीसू।